लाइट एमिटिंग डायोड का मतलब एलईडी। तो आपका जो क्वेश्चन आने वाला है, देखो जीनर डायोड के ऊपर सीबीएसई के अंदर तो मुश्किल है, कंपटीशन अमेरिकल आएगा। डायोड्स के ऊपर आपका क्वेश्चन बनेगा, वैसे मेजर मेजर क्वेश्चन ये बनते हैं, आपका एनर्जी लेवल कैसे चेंज होता है पी और एन में, पिछले चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है पिछले चैप्टर में। इस चैप्टर में डिप्लीशन लेयर की फॉर्मेशन के बारे में क्वेश्चन आएगा 3, या फिर रेक्टिफायर के ऊपर आएगा 4, या फिर आएगा पीएन जंक्शन एज अ फोटोडायोड आएगा, पीएन जंक्शन एज अ एलईडी आएगा, और पीएन जंक्शन एज अ सोलर सेल आएगा। इन 7 क्वेश्चन में से 4 सेट बनने हैं सीबीएसई में, दो 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 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो मतलब ये नहीं कह सकते कि ये इंपॉर्टेंट बाकी छोड़ दें, हर सेट में कुछ ना कुछ पड़ा होगा, तो सारा कुछ करके जाना बनता ही है। तो एलईडी, एलईडी रूल नंबर 1, एलईडी फॉरवर्ड बायसिंग में काम करती है। तो एलईडी क्या करती है, लाइट एमिटिंग डायोड है, हम इसको इलेक्ट्रिसिटी देंगे और ये लाइट को क्या करेगी, एमिट करेगी, ये फोटॉन्स को बाहर छोड़ेगी, इसको एलईडी बोलते हैं। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, ये एक हैवीली डोप्ड फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन है विच स्पॉन्टेनियसली कन्वर्ट्स बाइसिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू ऑप्टिकल एनर्जी लाइक इंफ्रारेड एंड विजिबल लाइट। तो क्या कह रहे हैं कि ये क्या करेगी, एलईडी में जब आप फोटोन्स, आप इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे, फोटोन निकलेंगे, लाइट निकलेगी, रेडिएशन निकल सकती है, वो रेडिएशन इंफ्रारेड भी हो सकती है, सेक भी निकल सकता है, इंफ्रा मीन सेक, हीट रेडिएशन, एलईडी गर्म भी हो जाती है और साथ में लाइट भी बाहर निकल सकती है। तो आपने जब पेपर में आएगा क्या लिखना है, वॉट इज एलईडी, फिर आपने डायग्राम ड्रॉ करना है। डायग्राम में ध्यान से, फोटो डायोड में लाइट गिर रही थी, फोटोन्स गिर रहे थे, इसमें फोटोन्स बाहर निकल रहे हैं, तो लाइट बाहर निकलती हुई दिखानी है एलईडी में। ये एलईडी या पीएन जंक्शन ग्लास के अंदर बनी होती है, और प्रैक्टिकली जब मार्केट से लेके आते हो तो एलईडी ऐसी दिखती है, एलईडी छोटी सी, दिवाली की लाइटें देख लो, एलईडीज ऐसी होती हैं, छोटे छोटे बल्ब होते हैं, तो उसके अंदर ये होता है, डायोड लगा होता है। तो फिर आपने क्या करना है, फिर आपने 4 लाइनें इसमें लिखनी है। क्या लिखनी है आपने, ये लिखना है, इसका लॉजिक बताता हूँ पहले। लॉजिक ये है कि जब आप इसे फॉरवर्ड बायसिंग में यूज करेंगे, इलेक्ट्रॉन एंड होल जंक्शन की तरफ भागेंगे, जैसी भागेंगे इलेक्ट्रॉन और होल कंबाइन होंगे, जैसी कंबाइन होंगे तो उनकी काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, लाइट एनर्जी में, सिंपल। तो लाइट में कैसे कन्वर्ट हो रही है, फॉरवर्ड बायसिंग करेंगे, लाखों इलेक्ट्रॉन एंड होल मूव करेंगे, जब मूव करेंगे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन एंड होल टुवर्ड जंक्शन मेजोरिटी कैरियर, तो रिकॉम्बिनेशन भी होगा, रिकॉम्बिनेशन में क्या होगा, काइनेटिक उनकी लाइट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो पहले आपने लिखना है व्हाट इज एलईडी, फिर आपने बड़ा बड़ा लिखना है इट इज यूज्ड इन फॉरवर्ड बायसिंग, लिख लेना इट इज यूज्ड इन फॉरवर्ड बायसिंग, लिख लो ये रहा फॉरवर्ड बायसिंग, इंपॉर्टेंट है, जरूर लिखना है ये। फिर आपने इसका डायग्राम प्लॉट करने हैं, ये सारे डायग्राम बना देना एलईडी के। फिर आपने इसमें ये लिखना है कि इसमें ये लिख देना आगे, कि व्हेन पीएन जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस्ड, इलेक्ट्रॉन्स आर सेंट फ्रॉम एन रीजन टू पी रीजन एंड होल्स आर सेंट फ्रॉम पी रीजन टू एन रीजन। तो एन से पी की तरफ, पी से एन की तरफ इलेक्ट्रॉन होल भागते हैं। फिर सीधा ये लिख देना कि ऑन रिकॉम्बिनेशन, जंक्शन की तरफ रिकॉम्बिनेशन होगा, एनर्जी इज रिलीज इन द फॉर्म ऑफ फोटोन्स। सारी गेम तो यही है कि रिकॉम्बिनेशन होगा तो आपकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो फोटोन्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। फोटोन्स एनर्जी इक्वल या स्लाइटली लेस देन द बैंड एनर्जी गैप आर एमिटेड, तो फोटोन्स जो बाहर निकलते हैं उनकी एनर्जी बैंड एनर्जी गैप से थोड़ी कम होती है। और इस केस में ये भी लिखना कि एज द फॉरवर्ड करंट इंक्रीजेस, मतलब अगर आप बैटरी की वोल्टेज बढ़ाएं तो फॉरवर्ड बायसिंग बढ़ेगी, फॉरवर्ड बायसिंग बढ़ेगी तो ज्यादा मेजोरिटी कैरियर भागेंगे, ज्यादा मेजोरिटी कैरियर भागेंगे तो ज्यादा फोटोन निकलेंगे, ज्यादा क्योंकि तेज भागेंगे, क्योंकि आपने बैटरी ज्यादा की, बायसिंग आपने ज्यादा कर दी, तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, काइनेटिक ज्यादा होगी तो लाइट भी ज्यादा होगी, ऐसा होता है। लेकिन अगर आप बायसिंग बढ़ाएं तो लाइट भी ज्यादा एमिट होगी, और बढ़ाएं और एमिट होगी, लेकिन कुछ ज्यादा ही बढ़ाने से लाइट की जो एनर्जी है वो ज्यादा होने की बजाय कम हो जाती है। तो यही लिखा हुआ है, एज द फॉरवर्ड करंट इंक्रीजेस, इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंक्रीजेस, नंबर ऑफ फोटोन ज्यादा निकलेंगे, लाइट ज्यादा निकलेगी अगर बायसिंग ज्यादा करेंगे, एंड रीचेज मैक्सिमम, तो मैक्सिमम तक पहुंच जाती है। फर्दर इंक्रीज इन फॉरवर्ड करंट इंटेंसिटी को बढ़ाने की बजाय क्या कर जाती है, डिक्रीज, क्योंकि जब आप बायसिंग बढ़ाते हैं तो एनर्जी ज्यादा मिलती है इलेक्ट्रॉन एंड होल्स को, वो एनर्जी सिर्फ लाइट में कन्वर्ट नहीं होती, वो गर्मी में भी कन्वर्ट हो जाती है, और एलईडी का टेम्परेचर क्या हो जाता है, इंक्रीज। तो ज्यादा बायसिंग करने से एलईडी गर्म हो जाती है ज्यादा,
और लाइट को कम छोड़ना शुरू कर देती है। इसलिए हम एलईडी जब बनाते हैं उसकी मॉडरेट बाइसिंग करते हैं ना, टू लो से भी एनर्जी कम होगी, फोटोन कम होंगे, और टू हाई से भी एनर्जी कम हो जाएगी। तो मॉडरेट रखते हैं ताकि उतनी बाइसिंग हो ताकि एनर्जी क्या निकले, मैक्सिमम निकले। अब लिखने के लिए बहुत कुछ हो गया फुट इसमें एलईडी में। व्हाट इज एलईडी? फॉरवर्ड बाइसिंग में यूज होती है, फिर डायग्राम बनाना है, फिर थ्योरी लिखनी है, फिर साथ में ये पैराग्राफ लिखना है। दो नंबर में इतना बहुत है यार, बात करता हूँ। और साथ में हाँ, इसकी एलईडी की करेक्टरिस्टिक्स भी बनानी है, पूछी हो ना पूछी हो दो नंबर में बना देना, जिसमें अंदर आईवी करेक्टरिस्टिक्स बनाना, फॉरवर्ड करंट है, आईवी करेक्टरिस्टिक्स बना देना। इस आईवी करेक्टरिस्टिक्स में ये ग्राफ बनाना जिसमें इंफ्रा रेड, जो एम्बर, येलो, ग्रीन, ब्लू और व्हाइट का पैटर्न शो करना, और कॉम्पिटिशन में ये करेक्टरिस्टिक्स के ऊपर सीधा मार्क करने को क्वेश्चन आता है, सीधा मार्क करने को आएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो दो नंबर में बहुत कुछ है अब लिखने के लिए, देखो भरना ही तो है, बाकी कॉन्सेप्ट तो एक लाइन का ही है इसमें करने वाला। तो ये सारी चीजें लिख देना, आपका आंसर सही हो जाएगा। कोई डाउट इसमें? ठीक है यहां तक? तो इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ एलईडी, कलर ऑफ एलईडी जो है वो डिपेंड करता है आपका बैंड एनर्जी गैप पे, कि आपने एलईडी किसकी बनाई, सिलिकॉन की, फॉस्फरस किसकी बनाई है। तो जिसकी भी बनाई है उसका बैंड एनर्जी गैप डिफरेंट होगा, तो एलईडी जो जो लाइट एमिट होगी वो भी डिफरेंट होती है। और इंटेंसिटी ऑफ लाइट एमिटेड इज डिटरमाइंड बाय द फॉरवर्ड करंट, करंट कंडक्टेड बाय पीएन जंक्शन। इंटेंसिटी ज्यादा या कम होगी वो बाइसिंग पे डिपेंड करती है, जो भी हमने डिस्कस किया, बाइसिंग मॉडरेट रखनी है। इसके अंदर कोई कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम ऐसी आ जाती है कि एलईडी में बनाने के लिए हम कंपाउंड सेमीकंडक्टर यूज करते हैं। कंपाउंड का मतलब अकेला सिलिकॉन नहीं, सिलिकॉन के साथ जर्मेनियम, सिलिकॉन के साथ गैलियम, आर्सेनाइड, फॉस्फाइड, इस टाइप के एलईडी यूज करते हैं कॉम्बिनेशन के साथ। जैसे एग्जाम्पल है गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड में 1 - x और x, जैसे x की वैल्यू इसमें मान लो 0.4 है, तो 1 - x क्या होगा 0.6, तो 60% आर्सेनाइड है, गैलियम आर्सेनाइड है, और 40% क्या है, फॉस्फाइड है। तो अगर ये यूज करते हैं तो एलईडी का कलर क्या निकलेगा, रेड। हम कहते नहीं भैया रेड एलईडी देना, उसमें ये यूज होता है। फिर ऐसी अगर हम यूज करते हैं इसमें गैलियम आर्सेनाइड यूज करते हैं तो क्या यूज करते हैं, इंफ्रा रेड लाइट निकलती है, जो कि रिमोट्स के अंदर जो एलईडी है उसके अंदर काम आती है। जस्ट एक एग्जाम्पल है, लिखना है तो आप अपने बुकलेट में ये लिख सकते हैं कि इसका एनर्जी गैप 1.4 है गैलियम आर्सेनाइड का, और इसमें इंफ्रारेड निकलती है और इससे रेड निकलती है। बस इतना नोट कर लें, दो लाइनें मोर देन सफिशिएंट है इसमें।